टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स का इंटरव्यू वीडियो नंबर 46। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, जो इस टाइप के नंबर होते हैं। परिमेय संख्या नहीं है, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी भी क्रमित युग्म का दूसरा घटक शून्य नहीं होना चाहिए। किसी परिमेय संख्या अगर हमें बनानी है, अगर क्रमित युग्म दिया है एक्स इक्वल टू बड़ा ब्रैकेट ए बी में, तो बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर बी ज़ीरो नहीं है तभी वो एक परिमेय संख्या बन सकती है। यानी किसी परिमेय संख्या बनाने के लिए क्रमित युग्म का दूसरा घटक शून्य नहीं होना चाहिए। यानी कि परिमेय संख्या एक्स इक्वल टू ए अपॉन बी अगर है तो बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब आते हैं तीसरा पॉइंट पे, एन एक प्राकृतिक संख्या है एंड द नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्या वन से स्टार्टिंग होती है, 1, 2, 3, 4 इस तरह के जो नंबर्स हैं वो प्राकृतिक संख्या होती हैं। ठीक है, जहाँ पे एन पॉजिटिव की अगर बात किया जाए तो एन पॉजिटिव बराबर होता है एन का उत्तरवर्ती यानी कि उसके बाद वाली संख्या। जैसे एन पॉजिटिव को एन प्लस वन लिख सकते हैं। मान लीजिएगा वन का उत्तरवर्ती तो वन प्लस वन इक्वल टू टू हो जाएगा, और टू का उत्तरवर्ती टू प्लस वन इक्वल टू थ्री हो जाएगा। ठीक है, चौथा पॉइंट है टाइकोटोमी नियम। टाइकोटोमी लॉ के अकॉर्डिंग अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आई में कर रहा है, किसी इंटीजर्स में लाई कर रहा है, तो केवल इनमें से एक नियम सत्य होगा, उसके तीन हैं, या तो एक्स वाई के बराबर होगा, या एक्स ग्रेटर देन टू वाई, या एक्स लेस देन टू वाई। तो उन तीन में से कोई सा एक नियम फॉलो जरूर करेगा, चाहे तो एक्स वाई से बड़ा हो या बराबर हो, या बड़ा हो या छोटा हो, एक्स इक्वल टू वाई, या एक्स इज ग्रेटर देन टू वाई, या एक्स इज लेस देन टू वाई। नेक्स्ट पॉइंट बनता है पॉइंट नंबर 5, पियानो अभिग्रहित यानी पियानो एक्सियोम। पियानो एक्सियोम में पांच वैल्यूज होती हैं, पांच एक्सियोम्स होते हैं। पहला है पी वन, जिसको डिनोट करते हैं पी वन में वन बिलोंग्स टू एन, यानी वन एक नेचुरल नंबर होता है और एन में बिलोंग करता है। ठीक है, वन बिलोंग्स टू एन। दूसरा, प्रत्येक में ए बिलोंग्स टू एन, अगर ए कोई नंबर से एन में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो ए पॉजिटिव भी ए प्लस यानी कि उसका ए का उत्तरवर्ती भी एन में बिलोंग करेगा। एन तो नेचुरल नंबर, 1, 2, 3, 4 बहुत सारे नंबर चलते रहते हैं। अगर ए बराबर मान लिया आपका 2 है, तो ए प्लस इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी कि 3, तो 3 भी नेचुरल नंबर में लाई करेगा। तीसरी अभिकृति है यानी कि एक्सियोम है P3, अगर ए बिलोंग्स टू एन, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू एन के लिए ए पॉजिटिव नॉट इक्वल टू वन, यानी ए पॉजिटिव का मान जो होता है वन के बराबर नहीं, यानी वन से बड़ी हो सकती हैं, क्यों नहीं, वन से बड़ी होंगी ही प्रत्येक के लिए। प्रत्येक के लिए मतलब वन से ही बड़ी होंगी। अगर ए का मान वन है मिनिमम, तो ए पॉजिटिव वन प्लस वन यानी टू होगा, तो वन से बड़ी तब भी है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर वन से स्टार्टिंग होता है, 1, 2, 3, 4 यहाँ से स्टार्टिंग ही हुआ करता है। तो ए अगर वन भी मानेंगे तो ए पॉजिटिव इक्वल टू टू हो जाएगा। तो ए प्लस इज़ नॉट इक्वल टू वन, ए प्लस कभी भी वन के इक्वल नहीं होता। तो यही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं एग्ज्यूम में बना हुआ पियानो एग्ज्यूम। तो इसकी या जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो छोटे से छोटा पॉइंट पूछा जाता है, जैसे कि ए बिलोंग्स टू एन है, तो क्या ए पॉजिटिव वन के बराबर है, ये नहीं है, क्यों नहीं है, रीज़न। तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स होते हैं, तो उस समय पे हो सकता है कि रीज़न समझ में ना आए। ठीक है, सब कुछ है सामने, है सारी बातें हैं, आंसर नहीं दे पा रहे हैं, तो ये समस्या हो जाती है। ठीक है, तो वीडियोस बनाने का तर्क यही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें वैसे मिल ही जाएंगी, परंतु किस तरह से क्वेश्चन हो जाता है, क्या पॉइंट्स हो जाता है। जैसे कि P4 में है, अगर ए बी बिलोंग्स टू एन यानी नेचुरल नंबर में लाई कर रहा है, अगर ए पॉजिटिव इक्वल टू बी पॉजिटिव है तो ए बराबर बी होगा। तो सीधी सी बात है, अगर ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव के बराबर है तो संख्या यानी आपस में बराबर रही होंगी। तो ए पॉजिटिव किसी तंग संख्या का उत्तरवर्ती दूसरी संख्या के उत्तरवर्ती के बराबर है, तो संख्या आपस में बराबर होंगी। P5 है, यदि ए एन में लाई कर रहा है तो वन बिलोंग्स टू ए या ए बिलोंग्स टू वन, तो ए पॉजिटिव भी बिलोंग करेगा ए में। यानी तो अगर ए बराबर वन है तो P5 को आगमन अभिगृहित यानी पोस्टुलेट ऑफ इंडक्शन कहते हैं। जो P5 होता है उसको हम आगमन अभिगृहित यानी पोस्टुलेशन ऑफ इंडक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गणितज्ञ गौस, जो 1772 से लेकर 1855 तक कहा जाता है जिनका, यानी कि 1772 में उसका जन्म हुआ होगा गोस का, और 1855 में उनकी मृत्यु हो गई होगी। उनके अकॉर्डिंग कहा गया है कि विज्ञान की जननी गणित है और गणित की जननी
अंकगणित है। तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि गणित और विज्ञान में क्या रिलेशन है, किस वैज्ञानिक ने इसके बारे में कहा है, विज्ञान की जननी क्या है, विज्ञान की जननी गणित है और गणित की जननी अंकगणित है। नेक्स्ट है नंबर 7, द्विआधारी संक्रियाएं यानी कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है, व्हाट इज द बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन किसे कहते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन में ओ को डिनोट करते हैं ऑपरेशन से, जिसको द्विआधारी संक्रिया कहा जाता है। तो द्विआधारी संक्रिया माने दो नंबर ए एंड बी हैं, तो पहला नियम फॉलो करेगा क्रम विनिमय नियम, यानी ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए फॉर एवरी वैल्यू ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए। दूसरा सहचर्य नियम यानी कॉम्पिटेटिव नियम, सॉरी सहचर्य नियम एसोसिएटिविटी, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फॉर एवरी वैल्यू ए बी सी बिलोंग्स टू ए एंड तत्सम अवयव यानी ई ऑपरेशन ए इक्वल टू ए या बराबर होता है ए ऑपरेशन ई फॉर एवरी वैल्यू ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए, एंड ई बिलोंग्स टू ए कैपिटल ए में ई बिलोंग्स करता है को तत्सम अवयव कहा जाता है। आगे आता है प्रतिलोम अवयव, ए ऑपरेशन बी बराबर ई और बराबर होता है बी ऑपरेशन ए फॉर एवरी वैल्यू ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए, यहाँ बी को ए का प्रतिलोम कहा जाता है और ए को बी का प्रतिलोम कहा जाता है। अगर ए ऑपरेशन बी आइडेंटिटीज आ रहा है और बी ऑपरेशन ए भी आइडेंटिटी आ रहा है, तो ए ऑपरेशन बी बराबर आइडेंटिटीज है तो बी को ए का प्रतिलोम कहेंगे और बी ऑपरेशन ए है तो ए को बी का यहाँ पे प्रतिलोम कहा जाता है, यानी एक दूसरे के ही प्रतिलोम होते हैं।